नमस्कार। आज दिनांक 22/10/2024 दिन मंगलवार। केडी चौधरी डाळिंबियाड पुणे। ये यूट्यूब चैनल से मैं तामाजी चौधरी बाजार की सद्य स्थिति के बारे में सभी किसान भाई को मैं सूचित करता हूँ कि अभी दीपावली की वजह से 2-3 दिन से बाजार में थोड़ी सी रेट गिरी है और रेट गिरने के बाद भी माल जो ओवर हो रहा है वो लोग लेके आ रहे हैं या मक्खी जिसको लग रही है वो माल लेके आ रहे हैं। हमने फ्राइडे के दिन जब वीडियो बनाया था उसी समय बोला था कि अगले हफ्ते थोड़ा सा मंदी आपको दिखेगा और उसी के हिसाब से बाजार में आज जो रेट निकल रहे वो दीपावली का असर है। लेकिन किसान लोग में घबराहट होने लगी है कि रेट गिरेगा फिर उठेगा क्या नहीं। लेकिन मैं सभी किसान भाई को बोल देता हूँ, ये 25 तारीख तक तो मैंने पहले ही बोला था कि आप माल लेके आइए, मंडी आगे खुली रहेगी और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा माल आएगा तो भी बिकेगा। लेकिन आपका माल अगर रुकता है और दीपावली के बाद माल आप ला सकते हैं तो बिंदास रुकिए। लेकिन जो छठ पूजा के हिसाब से जो माल निकालने को मैं बोला था वो 30 तारीख की बिक्री यानी कि 29 तारीख को आपको माल तोड़ना है और जो दूर के किसान हैं जो कर्नाटक आंध्रा के वो 28 तारीख को निकाल के 30 की मंडी करेंगे। लेकिन उसके बाद 31 तारीख 1 तारीख 2 तारीख को पुणे की मंडी बंद है। लेकिन नासिक जो मंडी है और इंदापुर मंडी है उसमें 30 तारीख से लेकर 2 तारीख तक ही माल लेके आ रहा है क्योंकि 3 तारीख का जो माल है वो छठ पूजा तक पहुंचेगा नहीं। 7 तारीख को छठ पूजा है और छठ पूजा के पहले 2 दिन माल जगह पे पहुंचना जरूरी है यानी कि 5 तारीख का वहां बिक्री में माल लगा है तो 5 और 6 को बिक्री हो जाएगा, 7 को छठ पूजा को लग जाएगा। लेकिन 2 तारीख के आगे छठ पूजा को माल लगेगा नहीं। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा दीपावली का असर, ये जो छठ पूजा का तो समझो ग्राहक हो जाएगा लेकिन जो खाने वाला ग्राहक है उसका असर थोड़ा सा 2-3 दिन दिखेगा क्योंकि दीपावली होने के बाद 2-4 दिन हर एक घर में दीपावली मनाई ही जाती है और उसके बाद फिर मिठाई छोड़ के फल या बाकी के हर दिन की जो अपन घर में खाना पकाते हैं वो समझो 2-4 दिन के बाद हर दिन जैसा काम हर एक घर में चालू होता है। लेकिन मैं इसी हिसाब से किसान को भाई को सूचित करता हूं कि अभी बाजार गिरा है, कई जगहों पे बारिश भी ज्यादा हुई है और बारिश ज्यादा होते हुए माल गीले मत लाइए। लेकिन जो 30 तारीख से लेके 2 तारीख तक माल मैं बुला रहा हूं, पुणे में तो 1 तारीख तक, ये 3 दिन जगह पे ही माल ग्रेडिंग करके लाना है। ये क्यों? क्योंकि यहां भी मजदूर कम रहेंगे दीपावली के हिसाब से, तो अगर जगह पे ग्रेडिंग करके माल आएगा तो उसमें जो छोटा रास है 70-80 ग्राम से लेकर 150 ग्राम तक का, एक रास 150 ग्राम से लेकर 250 ग्राम तक, दूसरी रास 250 ग्राम से लेकर 350 ग्राम की, तीसरी रास और 350 ग्राम से लेके आगे जितना बड़ा साइज है वो चौथी रास। स्पॉट का ये जो खरड़ा है सनबर्निंग है वो एक रास और डैमेज का एक रास, ऐसा 6 रास आप जगह पे अगर ग्रेडिंग करके लेके आओगे तो आपका गाड़ी पहला खाली हो जाएगा। अगर ग्रेडिंग करके नहीं आएंगे तो वो लेट गाड़ी खाली हो जाएगी
और दो तीन दिन में शायद माल ज्यादा आ गया तो, और मजदूर कम रहेगा तो आपका ग्रेडिंग नहीं होने के हिसाब से बिक्री भी लेट हो सकता है और आपको ज्यादा देर मंडी में रुकना पड़ता है। तो मैं इसीलिए आपकी सहकारी की भूमिका हमें जरूरी है। आपने अगर सहकार्य दो तीन दिन किया तो यहाँ के मजदूर भले ही कम रहेंगे लेकिन छठ पूजे का रेट आपको सही मिलना चाहिए। इसी हिसाब से मैं आप लोगों को ये बात समझाता हूं। हमें मालूम है कि जगह पे भी मजदूर कम रहेंगे दीपावली के हिसाब से, लेकिन अगर जिसको जमता है वही माल तोड़े 30 तारीख की बिक्री से लेकर 2 तारीख तक पूना छोड़ के, लेकिन आगे 2-3 दिन रुक के आप माल मंडी में लेके आना है। और यही किसान भाई को मैं विनती करने जा रहा हूं कि आप लोगों का अभी तक अनार का हमने रेट गिरने नहीं दिया, लेकिन हमने बोलने के बाद भी माल कम लाओ तभी भी मंडियों में माल ज्यादा आ रहा है। तो जैसा कि मंडियों में जरूरत नहीं है और हम माल लेके आएंगे तो रेट गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि ये नेचुरल मंदी है। ये दीपावली में हर एक देश में आदमी जो खाने वाला वो मिठाई या घर में दीपावली मनाने के हिसाब से खर्चा करता है, उसका असर ये 4-6 दिन हमको भुगतना पड़ेगा। तो सभी किसान भाई को मैं बोल देता हूँ, आप मेरी बात गौर से सुनेंगे और जगह पे से ही 30 तारीख से लेकर 2 तारीख तक का माल लाते हुए ग्रेडिंग करते पूना के लिए लेके आएंगे। नासिक के लिए कोई जरूरी नहीं है, वह मजदूर है, लेकिन पूना में सिटी में यहाँ मजदूर की प्रॉब्लम होती है तो पूना का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा। तो पूना के लिए मैंने ये विनती किया है। तो इतना मेरी बात आप समझदारी से समझे और जितना हो सकेगा गाड़ी जल्दी से जल्दी शाम को लेके आइए, यही मैं किसान भाई को विनती करता हूँ। धन्यवाद।